पीटीआई का एक और बड़ा सरप्राइज, लतीफ खोसा के बाद एक और बड़ी सियासी शख्सियत पार्टी में शामिल। इलेक्शन के दिन करीब आते ही सियासी गहमा गहमी में तेजी देखी जा रही है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून, जेयूआई और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने अपने अपने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट देने के लिए सर जोड़ दिए हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाए जो पार्टी के साथ बुरे और अच्छे वक्त में खड़ा रहा, जिनके जीतने के चांसेस हों। इसके अलावा इलेक्शन से कब ये देखने में भी आ रहा है कि कुछ पार्टियों के सीनियर रहनुमा अपनी पार्टी को खैरबाद कहकर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। इसकी ताज़ा मिसाल पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ खोसा की सूरत में सामने आई, जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं। पीटीआई ने अब एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। सरदार लतीफ खान खोसा के बाद सरदार लियाकत अली खान लगारी भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। ज़राए अब्लाग के मुताबिक सरदार लियाकत अली खान लगारी ने सरदार लतीफ खान खोसा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाज़ाबता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। वो पीपी 273 से पीटीआई टिकट के उम्मीदवार हैं।